सियासी जमातों के लिए आखिरी मौका है, होश के नाखून लें। मौलाना फजल रहमान से आईनी तरमीम पर आज आखिरी बार दरख्वास्त करूंगा, ना माने तो नापसंदीदा रास्ते पर चलना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहा नून लीग और एक्स्ट्रा मेम्बरान के साथ मिलकर कानून साजी कराऊंगा, इस्लामाबाद से आईनी बेंच बनाकर लौटूंगा। बेंच बनाना है या अदालत, नाम कुछ भी रखें, नुमाइंदगी बराबर हो। बिलावल भुट्टो का मुतालबा, कहा आईनी मामले पर अदालत बैठे तो तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसे से खिताब, कहा वफाकी अदालत बनाना बेनज़ीर भुट्टो का मुतालबा था, बेनज़ीर ने वादा किया था आईनी अदालत बनाकर रहूंगी, मैं बीबी का वादा पूरा करने जा रहा हूँ, यही अदालत आमिर की रबर स्टैम्प बने, आईन का साथ नहीं दिया। मौलाना फजल रहमान का घर एक बार फिर राबतों का मरकज बन गया, पीटीआई और हुकूमती वफ की आमद, इसहाक और नवेद कमर शामिल। जेयूआई सरबरा का पीटीआई वफ के एजाज में इशाया, हामिद खान, अली जफर और सलमान अकरम राजा भी शरीक। हमारे टुकड़े टुकड़े कर दें तब भी जबरी वोट नहीं देंगे, अब्दुल गफूर हैदरी का ऐलान। इंकशाफ किया, एक वोट की बोली 50 करोड़ लगी है, एक तरफ वोट मांगते हो दूसरी तरफ बदमाशी करते हो। पाकिस्तान में पोलियो ने मजीद 4 बच्चों को माजूर कर दिया, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में नए केसेस रिपोर्ट।